तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोयुन क्वेंचैन को उसके साथ सू फैमिली में चलने के लिए बोलती है, और अब यह सुनकर क्वेंचैन तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह उन सभी लोगों के साथ सू मैंसन पर पहुंचता है। और तभी वह सभी लोग देखते हैं कि उस जगह पर काफी भीड़ इकट्ठा होती है। अब दिखाया जाता है कि जुओ फैमिली के हेड ने अपने कई सारे सोल्जर्स के साथ सू फैमिली पर अटैक कर दिया होता है। वहीं जुओ फैमिली का हेड बोल रहा होता है कि सू फैमिली का हेड अपनी बेटी सुयुन की शादी उसके बेटे से करवा दे, पर सू फैमिली का हेड इसके लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसके ऐसा करने से सू फैमिली जुओ फैमिली के हाथों में आ जाएगी और फिर सू फैमिली के सभी मेंबर्स को उनके अंडर काम करना पड़ेगा। अब सू फैमिली का हेड कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी उसकी हालत खराब होने लगती है। अब उसी जगह पर सुयान और बाकी सब भी आ जाते हैं, जिसे देखते ही जुओ फैमिली का हेड बोलता है, मैंने सुना था कि तुम माउंटेन पर थ्री आइड लिजर्ड का शिकार करने के लिए गई हो, तो तुम उस जगह से जिंदा वापस लौट आई। तभी सुयुन गुस्से में बोलती है, सपने मत देखो। यह सुनते ही जुओ फैमिली का हेड अपने बेटे से बोलता है कि अब सुयुन यहाँ पर वापस आ चुकी है, तो शादी के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही उसका बेटा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी मिंगजैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। अब यह सुनते ही जुओ फैमिली का हेड बोलने लगता है, तुम बस इस जगह के एक गार्ड हो, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। जिसके बाद वह मिंगजैंग पर अटैक कर देता है, पर तभी मिंगजैंग का फादर बीच में आते हुए उस जगह पर मिंगजैंग को बचा लेता है और खुद घायल हो जाता है। तभी जुओ फैमिली का हेड अपने चेन से सुयुन को उस जगह पर पकड़ लेता है, और अब यह देखते ही सू फैमिली के सभी लोग जुओ फैमिली के सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं, और अब सू फैमिली का हेड भी जुओ फैमिली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जुओ फैमिली का हेड अपने एक ही अटैक में सू फैमिली के हेड को दूर फेंक देता है। और अब वह हंसते हुए बोलता है कि अभी तुम्हारी जो हालत है, तुम इस हालत में मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। और अब वह सुयान को अपनी ओर खींचने लगता है, पर तभी क्वेंचैन एक अटैक करके उस चेन को काट देता है। और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं इतना ज्यादा लकी क्यों हूँ, जो तुम जैसे लोग हर जगह मुझे मिल जाते हैं। तभी जुओ फैमिली का हेड हंसते हुए बोलता है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम बस एक बच्चे हो, और अब अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब वहाँ पर क्वेंचैन को देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी सुयुन क्वेंचैन के पास आती है और बोलती है कि यह लोग काफी ज्यादा खतरनाक है, तो क्वेंचैन को इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। क्वेंचैन पूछता है, आखिर यह लोग कौन है। अब सुयुन उसे बताती है कि यह जू फैमिली है, और वू सिटी में हमारी फैमिली और इनकी फैमिली में हमेशा फाइट चलता रहता है, और इन्हीं लोगों ने कुछ दिनों पहले सुयुन के फादर को पॉइजन दे दिया था, जिस वजह से उसके फादर की यह हालत है। अब यह सब सुनकर क्वेंचैन सुयुन के साथ आगे बढ़ता है। अब क्वेंचैन को देखते ही सुयुन के फादर उससे पूछते हैं कि आखिर यह कौन है, जिस पर सुयुन उसे सब कुछ बता देती है और बोलती है कि इन्होंने ही माउंटेन पर हमें उस बीस्ट से बचाया था। यह सुनकर सू फैमिली का हेड क्वेंचैन को थैंक्स करता है, और अब वह क्वेंचैन को मैंसन के अंदर जाने के लिए बोलता है। तभी जुओ फैमिली का हेड बोलता है, तो इस बच्चे ने उस माउंटेन पर तुम्हारी जान बचाई, इसने मेरे पूरे प्लान को खराब कर दिया। और यह बोलते हुए वह क्वेंचैन पर अटैक कर देता है, पर तभी क्वेंचैन अपने शॉर्ट से अटैक करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जुओ फैमिली का हेड क्वेंचैन के अटैक को वहां पर रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद वह सोचने लगता है कि इस पर्सन की शॉर्ट टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है, और अब वह अपने चेन से क्वेंचैन के हाथ से उसके शॉर्ट को छीन लेता है, जिसके बाद वह सोचता है कि क्वेंचैन अपने बिना शॉर्ट के कुछ नहीं कर पाएगा, और अब वह क्वेंचैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी क्वेंचैन उसे बुरी तरीके से मारकर दूर फेंक देता है। अब जुओ फैमिली का हेड उठता है और बोलता है कि आखिर सू फैमिली को इतना पावरफुल वॉरियर कहाँ से मिला। और अब वह सुयुन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी क्वेंचैन बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उस पर अटैक करके उसे वहीं पर मार देता है। अब यह देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद जुओ फैमिली का एक पर्सन आगे आकर क्वेंचैन से माफी मांगते हुए बोलने लगता है कि हम यहां पर मास्टर को गुस्सा दिलाना नहीं चाहते थे,
तो आप हमें यहाँ से जाने दें। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आज के बाद कभी भी सू फैमिली को परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे। तभी क्विंचन सू फैमिली के हेड से बोलता है कि मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ। तभी सू फैमिली का हेड आगे बढ़ता हुआ बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है, मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा? तुम्हारी फैमिली स्टार्टिंग से ही मेरी सू फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। जिसके बाद वह अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देकर वहां पर मौजूद सू फैमिली के सभी लोगों को मरवाने लगता है। अब लास्ट में वह पर्सन अकेला बचता है जिसे सू फैमिली का हेड मारने ही वाला होता है कि तभी क्विंचन उसे रोक देता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी फैमिली और ल्यू चान के बीच कुछ लेना देना है? अब यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, मैं यहाँ पर जिंदा रहना चाहता हूँ पर मैं तुम्हें यह सीक्रेट कभी नहीं बताऊंगा। तभी क्विंचन बोलता है, अगर तुम मुझे यह बता दो तो मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक चांस दे सकता हूँ, वरना यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनकर वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि यहाँ पर जुओ फैमिली ल्यू चान की ही बात मानकर यह सब कुछ कर रही थी और सू फैमिली के हेड को पॉइजन भी ल्यू चान ने ही दिया है और ल्यू चान यहाँ पर सू फैमिली को डिस्ट्रॉय करके उनके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स को अपने कब्जे में करना चाहता है। यह सुनकर सू फैमिली के हेड को ल्यू चान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब क्विंचन उस पर्सन के पास जाकर उसे एक पंच करके बेहोश कर देता है और वहाँ पर सोल्जर से बोलता है कि इसे एक गवाह के रूप में अपने पास कैद करके रखो। अब वहाँ पर सू फैमिली का हेड क्विंचन को थैंक्स करता है और बोलता है कि अगर इस जगह पर क्विंचन नहीं होता तो उसकी पूरी सू फैमिली अभी तक डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। अब वह सभी लोग मैंसन में एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। वहीं पर सुयुन क्विंचन को सर्व कर रही होती है और यह देखकर मिंगजांग काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है क्योंकि वह सुयुंग को पसंद करता है। यह देखकर उसके फादर उसे शांत करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मास्टर क्विंचन की दुनिया हम लोगों से काफी ज्यादा अलग है, तो मेरे ख्याल से क्विंचन सुयुंग को कभी भी पसंद नहीं करेगा। तभी मिंगजांग बोलता है, मास्टर क्विंचन हमारे सेवियर है और वह भी यहाँ पर क्विंचन जितना पावरफुल बनना चाहता है, जिससे आज जिस तरह क्विंचन ने सुयुन को प्रोटेक्ट किया है फ्यूचर में वह भी उसे प्रोटेक्ट कर सके। अब वहाँ पर सू फैमिली के हेड की तबीयत दोबारा खराब होने लगती है जो देखकर क्विंचन उसके पॉइजन को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब क्विंचन सू फैमिली के हेड को चेक करने लगता है। तभी सू फैमिली का हेड बोलता है कि यह पॉइजन काफी ज्यादा रेयर है और वू सिटी के किसी भी अल्केमिस्ट के पास इसकी दवा नहीं है। तभी क्विंचन बोलता है, यह कोई खतरनाक पॉइजन नहीं, मैं बस इसे चुटकियों में ठीक कर सकता हूँ। और अब वह अपने डिवाइन नीडल्स को निकालकर सू फैमिली के हेड के ऊपर उसका यूज करता है, जिसके बाद सू फैमिली के हेड की बॉडी से पूरा पॉइजन बाहर निकल जाता है और अब उनकी पावर भी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी होती है। यह देखकर सू फैमिली का हेड काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह वहां पर जुओ फैमिली के सभी लोगों की स्पेस रिंग क्विंचन को गिफ्ट के रूप में देता है। अब क्विंचन उन सभी को ले लेता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।